हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सीखेंगे एसेट एलोकेशन से रिलेटेड। ठीक है, आज की मतलब क्लास में हम एसेट एलोकेशन को देखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है। पहले एसेट एलोकेशन होता क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट का टाइप है, इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है, एक टाइप है। आप इसी के मतलब इसके बेसिस पे आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है ये आपको पता चलता है कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसमें आपके पास ना डिफरेंट एसेट क्लासेस भी आती हैं जिनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसमें आपकी डिफरेंट एसेट क्लासेस होती हैं। और ये डिफरेंट एसेट क्लासेस कौन कौन सी हो सकती हैं, हम जैसे कह देते हैं इक्विटी, डेब्ट और हम कैश। तो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है ये एसेट एलोकेशन, जिसमें आपके पास डिफरेंट एसेट क्लासेस होती हैं जिनके बेसिस पर आप अपने इन्वेस्टमेंट करने का एक डिसाइड करते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है कौन, एसेट एलोकेशन। अब हम इसे इन्वेस्टमेंट को एलोकेशन को मतलब कैसे डिवाइड करेंगे कि हमको किस तरह से किस एसेट क्लास में हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना है, या आप किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हम रखेंगे अपना फर्स्ट पार्ट में हम रखते हैं अपने लो रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से जिनमें लो रिस्क है, मतलब आपको अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मुझे ज़्यादा लॉस ना हो, तो आप लो रिस्क में जाओगे। इनमें लो रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स में आपको लो रिटर्न मिलता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम हाई रिस्क वाले कंपैरिजन करें, अगर लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट को हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट से, तो इनमें आपको लो रिटर्न मिलता है। और इसमें कौन कौन से टाइप आ जाते हैं आपके पास, वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपके पास कौन से लो रिस्क और लो रिटर्न वाले आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो वो आपके हो सकते हैं FDs, यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स, या आप कह सकते हैं सेविंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आपको इनमें लो रिस्क रहता है और लो ही रिटर्न मिलता है। सेकंड पार्ट में हम कह देते हैं हमारे सेकंड पार्ट हमारा, हमने जो डिवाइड किया है, इन्हें डिवाइड किया है हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में, लो रिस्क वाले में और सेकेंड पार्ट हमने किया है हाई रिस्क वाले में। हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट्स में हमें हाई रिटर्न्स के चांसेस होते हैं, हाई रिस्क है, हाईली रिटर्न्स के चांसेस होते हैं। और इनमें हमारे कौन कौन से आ सकते हैं, इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में हमारा क्या होता है, हाई रिस्क होता है और इनमें हाई रिटर्न्स के भी चांसेस होते हैं। अब हम बात करें तो एसेट एलोकेशन हमारा डिपेंड किस पर करता है। देखो, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये भी तो देखना है ना कि हमारे पास हमें किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट करना है। आज आपके पास मान लीजिए 5 रुपये हैं, आप भले ही ये 5 रुपये हैं, लेकिन आप ये सोचोगे तो कि मुझे इन्वेस्टमेंट किस में करना है, कि मुझे लो रिस्क लेना है या हाई रिस्क लेना है, मुझे FDs में जाना है या इक्विटीज़ में जाना है, है ना। आप यही तो देखोगे कि मुझे लो रिस्क के साथ लो रिटर्न भी मिल रहा है और हाई रिस्क के साथ मुझे हाई रिटर्न्स के चांसेस बन रहे हैं मेरे। तो आप किस में जाना चाहोगे, कौन सी एसेट क्लास आप चूज़ करना चाहोगे, ये आपका एसेट एलोकेशन डिसाइड करने में हेल्प करता है। अब एसेट एलोकेशन जो है, आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि आपको इनमें से कौन सी चूज़ करनी है, कैटेगरी पार्ट वन में जाना है, सेकेंड पार्ट में जाना है, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जाना है आपको, यानी कि आपको लो रिस्क में जाना है, हाई रिस्क में जाना है, या लो प्लस हाई दोनों में जाना है, किस में जाना है आपको, ये किस चीज़ पर डिपेंड करोगे आप, किस चीज़ के बेसिस पर आप ये डिसाइड करोगे। तो जो आपका एसेट एलोकेशन है वो डिपेंड करता है किस पे, कि आपकी एक तो रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, लो हाई और लो प्लस हाई, आप कौन से लेने के लिए तैयार हैं, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितना रिस्क झेल सकते हैं। तो वो दूसरा, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा, एसेट एलोकेशन किस पे डिपेंड करता है, कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है,
फाइनेंशियल गोल आपका क्या है, आप किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या आपका कोई फाइनेंशियल गोल है जैसे कि मैरिज का, एजुकेशन का, आपकी खुद की, आपके चिल्ड्रंस हैं, आपके चिल्ड्रन हैं उनके एजुकेशन, आपके किड्स की एजुकेशन जो हो गई, आप कोई वैकेशन प्लान कर रहे हैं अब्रॉड का या लोकल आपके मतलब कंट्री में, कोई आप वैकेशन प्लान कर रहे हैं, कोई भी गोल हो सकता है आपका, रिटायरमेंट गोल हो सकता है, तो कोई भी आपका फाइनेंशियल गोल हो सकता है। तो उसके बेसिस पर आपको पहले डिसाइड करना है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो और आपका गोल क्या है, आप किस पर्पस से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो। फिर उसके बेसिस पर आप अपना चूज़ करोगे कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लेना है, आप एलोकेशन करोगे अपने एसेट्स का जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप इनको एसेट एलोकेशंस को देखोगे आपको किस में इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं आपको ना एग्जांपल से भी समझाती हूँ। जैसे एक पर्सन है राहुल, राहुल है वो एक मॉडरेट रिस्क टेकर है, वो मॉडरेट रिस्क टेकर है यानी कि मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, ना तो वो हाई रिस्क लेना चाहते हैं ना ही वो लो रिस्क लेना चाहते हैं। उनके पास करंटली 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपीज़ हैं, उनकी करंट एज जो है 30 ईयर्स है, 30 साल के हैं वो, और आज से 10 साल बाद वो एक फॉरेन टूर प्लान कर रहे हैं और यही फॉरेन टूर उनका क्या हुआ, फाइनेंशियल गोल हुआ। यहाँ पर उनके पास मॉडरेट रिस्क टेकर हैं, करंट वैल्यू उनकी 10 लाख हैं, आज से 10 साल बाद वो आफ्टर 10 इयर्स वो एक फॉरेन टूर प्लान कर रहे हैं, यानी कि आज 30 साल के हैं तो अपनी 40 साल की उम्र में वो सोच रहे हैं कि वो एक फॉरेन टूर पे जाएं। तो उसके लिए वो अपना एक फाइनेंशियल गोल उन्होंने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, वो एक मॉडरेट रिस्क टेकर हैं तो मॉडरेटली चाहेंगे कि अपनी एसेट एलोकेशन वो मॉडरेट लेवल पे लाना चाहेंगे, रिस्क मॉडरेट लेना चाहेंगे वो। तो उन्होंने क्या किया, 4 लाख रुपीज़ तो उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किए, एफडी में, और 6 लाख रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्ट किए इक्विटी में। 4 लाख किस में लिए, एफडी में। एफडी क्या था हमारा, फर्स्ट वाली कैटेगरी में आता था, ये कैसा था, लो रिस्क लो रिटर्न था, फर्स्ट पार्ट में लो रिस्क था लो रिटर्न था। इसी तरह से उन्होंने क्या किया, यहाँ इन्होंने लो रिस्क लिया। सेकंड पार्ट में हमारा इक्विटी आता है जिसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न था, तो उन्होंने सेकंड उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ में हाई रिस्क लिया। तो ये इन्होंने दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इन्होंने अपने आप को मॉडरेट लेवल पे लिया है, मॉडरेट रिस्क लिया इन्होंने। तो यही इसी तरह से हम अपनी एसेट एलोकेशन को सोचते हैं, अपने एसेट एलोकेशन डिसाइड करते हैं किस तरह से हमें इन्वेस्ट करना है। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। अब क्या है, एक रिया है, वो रिटायर्ड पर्सन है, ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुकी हैं वो, उनकी करंट एज जो है वो 65 इयर्स की हैं और उनके पास फ़िलहाल 50 लाख रुपये हैं। उनका फाइनेंशियल गोल आज से 5 साल बाद है, आफ्टर 5 इयर्स उनका फाइनेंशियल गोल है। तो हम ऐसे मान के चलते हैं, आज उनकी 65 इयर्स की एज है, आज से 5 साल बाद आफ्टर 5 इयर्स यानी कि 70 इयर्स की एज में उनका एक कोई फाइनेंशियल गोल है, क्या है वो हमें मान लेते हैं, हम उन्हें भी किसी ट्रिप पे जाना है, ठीक है, और उनके पास करंटली आज 50 लाख रुपये हैं। तो उन्हें इस टाइम पे जो अमाउंट चाहिएगी उसके लिए आज वो इन्वेस्टमेंट लेंगी, और यहाँ पे वो क्या है, वो एक लो रिस्क टेकर है। तो आज से आज उनके पास 50 लाख है, इसे इन्वेस्ट करके वो मान लीजिए 5 साल बाद उन्हें ट्रिप के लिए चाहिए 80 लाख रुपए अपनी उस ट्रिप के लिए। तो वो आज इन्वेस्टमेंट लेंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट करेंगी ऑप्शन चूज करेंगी लेकिन वो लो रिस्क टेकर है तो सेफर साइड के लेंगी, लो रिस्क में ही इन्वेस्ट करेंगी। अब वो किस तरह से इन्वेस्ट करेंगी, वो 40 लाख रुपए तो अपने एफडी में कर देंगी और मनी सेव करनी है फ्यूचर के लिए, इन्वेस्ट करना है फाइनेंशियल सेक्टर में, नॉलेज लेनी है फाइनेंशियल सेक्टर में, करियर बनाना है फाइनेंशियल सेक्टर में,
एडवाइजरी देनी है फाइनेंशियल सेक्टर में, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है म्यूचुअल फंड का, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड की नॉलेज होना, म्यूचुअल फंड की बेसिक टू एडवांस लेवल की प्रैक्टिकल नॉलेज होना। उसमें अपना आप करियर बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप म्यूचुअल फंड का NISM का सर्टिफिकेशन कोर्स में आप उसका एग्जाम भी दे सकते हैं 5-year series का। इसके लिए हमारा एक कोर्स है म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन कोर्स, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, जिसमें पोर्टफोलियो बनाना, इक्विटी डेब्ट्स की इनडेप्थ नॉलेज, इसके अलावा ट्रेनर रेशियो, शार्पर रेशियो जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, और आपको प्रैक्टिकली साइट्स ऑफ ऐप का भी ओवरव्यू दिया, इसमें पूरा सिखाया जाएगा किस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए। वो 40 लाख रुपए तो अपने FD में कर देंगी और बाकी ये जो 10 लाख है उन्होंने डेप्ट में लगा दी। इक्विटी के कंपैरिजन में डेप्ट जो होता है इसमें लो रिस्क होता है, FD में भी लो रिस्क है हमने ऊपर देखा था, और डेप्ट भी हमारा लो रिस्क की कैटेगरी में आता है एज कम्पेयर टू इक्विटी। तो उन्होंने यहाँ क्या किया, यहाँ उन्होंने दोनों ही जो पार्ट था वो कहाँ करा, उन्होंने लो रिस्क वाली कैटेगरी में लिए, लो रिस्क वाली कैटेगरी में। लेकिन इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने क्या किया, 40 लाख रुपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट FD में लगाई, जिसमें उन्होंने सबसे सेफर साइड यहाँ खेला, सबसे ज़्यादा अमाउंट उन्होंने FD में लगाई, यानी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा लो रिस्क लिया, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी अमाउंट यहीं सेव कर ली कि यहाँ पे उन्हें 40 लाख उन्होंने यहीं पर सेव कर ली, बहुत बड़ी अमाउंट। एज़ कम्पेयर अगर हम करें डेप्ट से तो यहाँ केवल उन्होंने 10 लाख रुपये लगाए, 10 लाख रुपये उन्होंने क्या करे डेप्ट में इन्वेस्ट करे, जिसमें रिस्क तो है लेकिन बहुत थोड़ा है, यहाँ भी ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगर हम इक्विटी से बात करें, इक्विटी में हाई रिस्क होते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर भी डेप्ट में भी लेकिन फिर भी बहुत थोड़ी अमाउंट लगाई, केवल 10 लाख रुपये लगाए अगर हम 40 लाख से कंपेयर करें, तो यहाँ पर उन्होंने लो रिस्क वाला ऑप्शन चूज किया। क्लियर हुआ? तो अगर मैं समराइज करूँ इसे एसेट एलोकेशन को, तो एसेट एलोकेशन और कुछ नहीं एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। आप इसमें डिफरेंट एसेट क्लासेस के ऑप्शंस चूज करते हो कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल को डिवाइड कर देते हो कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, कि आप लो रिस्क लेना चाहते हो या आप हाई रिस्क लेना चाहते हो या आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो। अपने आप उसमें फाइनेंशियल गोल डिसाइड करते हो, रिस्क ले डिसाइड करते हो, रिस्क प्रोफाइल क्या है आपकी, और इसके बेसिस पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हो कि आपको किस तरह से अपने आप को डिवाइड करना है। अगर आप हाई रिस्क टेकर हो तो आप क्या करोगे, FD में अगर मैं मान के चलूँ तो आपके पास 20 लाख रुपये हैं, तो अगर आप हाई रिस्क टेकर तो आप क्या करोगे, 5 लाख तो केवल FD में लगाओगे, आप बाकी के मान के चलते हम 15 लाख आप इक्विटी में लगाओगे, ठीक है। या अगर हम कह लें 2 लाख आपने FD में लगाए, 10 लाख आपने इक्विटी में लगाए, और बाकी के कितने बचे आपके, 20 लाख थे ना, बाकी के आपने किस में लगा दिए, गोल्ड में लगा दिए। तो यहाँ पे इक्विटी और गोल्ड भी आपके जो था, इक्विटी और गोल्ड में दोनों में ही आप सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है, गोल्ड में भी और इक्विटी में भी हाई रिस्क है। उन्होंने केवल 2 लाख रुपए FD में लगाए, बाकी के उन्होंने किस में लगाए, इक्विटी और गोल्ड में, इक्विटी और गोल्ड में उन्होंने हाई रिस्क ले लिया, तो यहाँ पे वो हाई रिस्क टेकर कहलाए, जो आपका इन्वेस्टर है वो यहाँ पे हाई रिस्क टेकर कहलाया। तो इस तरह से हम एसेट एलोकेशन में अपनी अमाउंट को डिवाइड करते हैं, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है अपने रिस्क और गोल्ड के हिसाब से हम उसे डिवाइड कर देते हैं।